yards from each house. Shri Ram aur Lakshman ko Nag Pash se kisne mukt karwaya tha? Jatayu, ae Jatayu bol rahe hain, karur dev. Stand up and answer. श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से किसने मुक्त करवाया था? आदर्श, stand up. He gave the correct answer. Go and take your trophy. गरुड़ जी ने. Second question for audience. श्री राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किसने किया था? श्री राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किसने किया था? रितिका गेव द करेक्ट आंसर, मेघना. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस. रावण की माता का क्या नाम था? सो मेनी करेक्ट आंसर्स. कैकसी. लास्ट क्वेश्चन फॉर ऑडियंस. राजा जमंग के पिता का क्या नाम था? राजा जमंग के पिता का क्या नाम था? फ्रॉम ऑडियंस. राजा जमंग के पिता का नाम क्या था? सर तो पूछेगा. नो आंसर फ्रॉम ऑडियंस. द करेक्ट आंसर इज सिंहध्वज. सिंहध्वज. नाउ द लास्ट राउंड. इन दिस राउंड देयर इज 10 बोनस मार्क्स एंड 5 negative marks on the wrong answers. So be ready. First, Daffodil House. Daffodil House, your question is, Nal aur Neel ke pita ka kya naam tha? Vishwakarma. Correct answer. 10 marks. Vishwakarma. Question from Lotus House. Raja Dashrath के पिता का क्या नाम था? अज. करेक्ट आंसर. 10 मार्क्स. अज. थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम मैरीगोल्ड हाउस. सुलोचना किसकी पत्नी थी? मेघना. करेक्ट आंसर. मेघना. क्वेश्चन फ्रॉम रोज हाउस. महर्षि परशुराम के पिता का क्या नाम था? जन्मदग्नि. करेक्ट. जन्मदग्नि. सो मेनी करेक्ट आंसर्स. आवर स्टूडेंट्स हैव प्रिपेयर्ड वेल. दे आर नॉट लीविंग एनी क्वेश्चंस अनआंसर्ड. वेरी गुड प्रिपरेशन. ब्रिलियंट स्टूडेंट्स. गिव अ बिग हैंड फॉर ऑल स्टूडेंट्स. नाउ अगेन डैफोडिल हाउस. करेक्ट आंसर. खुशध्वज. नाउ लोटस हाउस. रघु के पिता कौन थे? राजा दिलीप. करेक्ट आंसर. दिलीप. राजा दिलीप. नेक्स्ट फ्रॉम मैरीगोल्ड हाउस. भरत की पत्नी का क्या नाम था? मांडवी. करेक्ट आंसर. मांडवी. फ्रॉम रोज हाउस. सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण जो प्रतिदिन नए और स्वच्छ दिखते थे किसने प्रदान किए थे? And
nice learning about these type of topics. This is very great. That's all. Thank you. Now I request Principal Sir to come on the stage and declare the result. Dear students, just an announcement of the result. Daffodils having 120 marks and the same Lotus 120 and the same Marigold 120. So jointly, first position goes to three houses: Daffodils, Lotus and Marigold. We can please. Second position goes to Rose House. Begin please. बच्चे ध्यान दें, result बहुत अच्छा है. Just आप ये समझो कि इतनी अच्छी तैयारी आपकी रही. चुनी क्वेश्चन मैंने ही तैयार किया था. ठीक है, how to make very interesting of the quiz. It's fully depend upon your answer by the side of your house, houses of the leader of the house. क्योंकि interest तभी आता है जब बच्चे answer देते हैं. इसलिए fourth round को थोड़ा हमने tough बनाया था. ठीक है, लेकिन सारे teachers के सहयोग से या बच्चों ने खुद अपना एक अच्छा तैयारी किया जिसके कारण result अच्छा हुआ. ठीक है, और जैसा कि आपके एसोसिएशन चार्ज ने कहा कि विनिंग और लूजिंग नथिंग मैटर, जस्ट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ बिकॉज पार्टिसिपेशन इज द मस्ट. ठीक है, लेकिन डैफोडिल हाउस में क्या निशांत वालिया, निशांत वालिया प्रिपरेशन फॉर दिस क्विज इज द बेस्ट एज आई थिंक फॉर बिग एंड पेज फॉर निशांत वालिया. कहते हैं कि डूबते को किनारा लगाना थोड़ा मुश्किल काम है, तो मेरे ख्याल से लोटस हाउस को डूबते का किनारा लगाया. क्या नाम है भटी जी? यस. अरे बेटा, अब है प्रकाश, क्योंकि अब है प्रकाश के लिए इसलिए डोनेट करवाए कि दोनों बार यही डूबते का सहारा बना और दोनों बार बोनस इसने 10-10 मार्क्स लिया और अपने कैटेगरी को बरकरार रखा. ठीक है, नहीं तो यह हाउस थर्ड पोजिशन में चला जाता. मैरीगोल्ड हाउस में तो अच्छे हैं ये लोग. और क्या नाम है तुम्हारा? रवीश कुमार, द लीडर ऑफ द हाउस. हाउस अच्छी कोशिश थी. ठीक है, अच्छा भी किया है, लेकिन तैयारी थोड़ी कम थी, इसलिए हरासमेंट की जरूरत नहीं है. आपको इसलिए टॉपिक दिया गया था रामायण का कि बच्चे इससे लाभान्वित हो, क्योंकि आज हमारे समाज में क्या है ना कि जितने कैरेक्टर्स हमारे रामायण के हैं उनसे कुछ कुछ सीखने की जरूरत मिलती है, या आज काफी जरूरत है समाज को. क्योंकि ये क्वेश्चन हम दिए थे कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है पूरे रामायण में जिसने भाई के प्रेम के लिए सबसे चर्चित रहा, वो रहा भरत. तो ये सब समाज में लर्निंग अगर मिलता है तो बच्चों में ये भावना जाएगी कि हमें भी अपने भाई को कैसे प्रेम रखना चाहिए. ओके, थैंक यू फॉर ऑल.